क्योंकि बुद्ध से पहले जो बुद्ध ने बताया वो तो था नहीं, और बुद्ध के समय में बौद्ध शब्द भी नहीं था। कोई कहता हो कि वो बौद्ध है, बौद्ध महासभा चलाता हो, या बौद्ध आचार्य हो, या बहुत बड़ा, तो वो जाके डिक्शनरी देख ले, उस डिक्शनरी में बौद्ध शब्द ही नहीं है, कोई डिक्शनरी में नहीं है कहीं, बहुत बार का शब्द है बौद्ध, और उस पूरी डिक्शनरी में कहीं मोहम्मद साहब का नाम भी नहीं है। जो मोहम्मद को जानने वाले लोग हैं, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम डिक्शनरियों में 1400-1450 साल पहले आया है। तो उससे पहले क्या वो लोग ईमान वाले नहीं थे? क्या वो ईमान को नहीं जानते थे? तो ईमान वाले तो थे, मगर ईमान का नाम या किसी लाम यानी किसी आलम का मतलब है अपने आलम के स्वामी मालिक, अपने खुद के मालिक। तो जो इस्लाम शब्द था, क्या वो पहले नहीं था? बुद्ध का बताया हुआ ज्ञान लगभग 2500-2600 साल पुराना, उससे पहले भी चलता है, और मोहम्मद साहब ने बताया 1450, और ईसा मसीह ने बताया 2018 साल, और ज्ञान सबका एक है। 5 बातें जो मोहम्मद साहब ने मना की हैं, वही बुद्ध ने मना की हैं, और वही ईसा ने मना की हैं, और वही आपकी गुलामी का राज है, और वही आपकी आजादी का राज है। बस इतना सा है इस्लाम धर्म, इतना सा है ईसाई धर्म, और इतना सा है मुस्लिम धर्म, और इतना सा है मानव धर्म, और इतना सा है धर्म। कोई इसमें भेद करे अंतर करे, आपको लड़ाए आप लड़ो, मगर 5 बातें अगर आप कर लोगे तो आप सब सीख जाओगे। किसी ज्ञानी की और किसी गुरु की जिंदगी में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और कोई आपको भूल नहीं बना सकता। पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि आपने बिना दिए किसी की कोई चीज कभी लेनी नहीं है, कोई चीज, चाहे उसका ज्ञान है, चाहे उसकी कोई किताब है, या उसका लिखा हुआ है, या उसका खाना है, या उसका मुद्रा है, या उसकी पैसा है, या उसका कोई शब्द है, या कोई बात है, या उसका आचार व्यवहार है, बिना अगर वो आपको नहीं देता है, आपको चाहिए, तो आप उसे ले नहीं सकते। इसको आज की भाषा में कहें और संविधान में कहें तो चोरी नहीं कर सकते। तो संविधान ही वही है भाई, जो इन दिनों ने कहा है वही बाबा साहब ने संविधान किया है। बाबा साहब ने फुल टूथ कॉपी किया है, बिल्कुल बाबा साहब का अपना एक भी शब्द नहीं है, सारे शब्द महापुरुषों के हैं, सारे शब्द उसमें मोहम्मद साहब के हैं, सारे शब्द बुद्ध के हैं, और सारे शब्द उसमें ईसाई, उसका अपना एक भी शब्द नहीं है। और कोई भी अगर ये बात लिखेगा बाद में आपकी बात की दुनिया में कहीं भी, तो वो सारी बातें एक ही है, और वो बातें भी उनकी नहीं है। कोई कहे कि ये मोहम्मद साहब की बात है, ये बुद्ध की बात है, या ये ईसा मसीह की बात है, या बाबा साहब की बात है, तो ये उनकी भी नहीं है। ये वो प्राकृतिक बात है जो आपके परिवार में और आपके खून में जब से आप मनुष्य बनने की लाइन में लगे हो तब से चली आ रही है, और ये आपकी बात है। और कोई आने वाला भी महापुरुष होगा या आप ही कहोगे तो यही बात कहोगे, और बात कहोगे नहीं। तो आपको बिना दिए कोई चीज नहीं लेनी, इसको इन सब ने बताया है। बिना दिए अगर कोई चीज लेते हैं तो वो होती है चोरी, यानी आपने चोरी नहीं करनी है। अब बताओ भाई कि कहीं मोहम्मद साहब ने कहा है कि चोरी करनी है? कहीं कहा हो तो बता दो कि चोरी करनी है, या किसी का ऐसी सामान उठा के ले जाना है। अगर आप चोरी करते हो तो ईमान वाले नहीं होगे, ईमान वाले मतलब सच्चे आदमी नहीं होगे, तो सच्चाई नहीं आएगी। तो दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि आपने जीवन में कभी भी मिथ्या नहीं बोलना है। अब मिथ्या क्या होता है? मिथ्या वो आज की भाषा में कहते हैं झूठ बोलना, और झूठ का उसमें 420 आदमी संविधान में कहते 420 आदमी है। तो झूठ ना बोलने का बता दो किसने कहा है? मोहम्मद साहब ने कहा है, झूठ बोलने की ईसा मसीह ने कहा, बुद्ध ने कहा, संविधान ने कहा, बाबा साहब ने कहा, या आप अपने बच्चे को कहते हो कि झूठ बोल? आप खुद झूठ बोल जाते हो, मगर बच्चे को कभी नहीं कहते झूठ बोलना। तो सारी बातें एक ही है, मानक नंबर 2 है, यानी कि झूठ ना बोलने के अलावा आपने
बहाना भी नहीं बनाना है, ये थोड़ा बड़ा है कि बहाना भी नहीं बनाना है। आपने कह दिया कि सभा में मुझे जाना था, मगर मैं तो कहीं आज उन्होंने काम से था, काम से आपको जाना नहीं, बहाना बना दिया, ये भी झूठ में आता है, यानी मिथ्या में आता है। या आपने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होके बोल दिया, अच्छा मैं आ जाऊंगा जरा देख लूंगा, मगर मैं थोड़ा सा ऐसे ही बस ऐसे करके बोल दिया, तो ये भी मिथ्या में आता है। झूठ बोलना खाली झूठ बोलना नहीं है, झूठ को तोड़ के मरोड़ के किसी भी तरह से आप बोलोगे उसमें समय बनाइए। आप हदीस में पढ़ लेना, आप बाइबल के जो बाकी कॉन्टेक्ट हैं, जो टेस्टामेंट है उनको पढ़ लेना, आप जैन का पढ़ लेना, आप बुद्ध के जो बाहर की किताब है वो पढ़ लेना, और आप संविधान को पढ़ लेना। सब में जोर बढ़ाओ के कहीं भी बातें जो बातें सच पे आधारित नहीं है उनके लिए बिल्कुल मनाही है। तो ये बात नंबर दो है। अब बात नंबर तीन क्या है? बात नंबर तीन थोड़ी और भी है जो आपकी गुलामी का सबसे बड़ा कारण बनी है कि आपने कोई भी नसीहत पर हाथ नहीं लगाया। सुरा यानी शराब या पेड़ जो पेड़ से बनता है वो, या भांग से बनता है वो, या डोरी है या इंजेक्शन है या बीड़ी है या सिगरेट है या कैनी है या तंबाकू है या छैनी है या फैनी है, अब वो सारी चीजें लेने का बिल्कुल मनाही है और सबने मना किया है। और उनकी छोड़ो जो बड़े बड़े नाम है, मुझे कोई बाप ऐसा दिखा दो जो अपने बेटे को कहता हो ये गिलास में आप इतनी शराब लाया। एक माँ ऐसी दिखा दो जो कहती हो बीड़ी देखे कहती हो के लिए बेटी बीड़ी के लिए। एक मुझे ऐसा भाई दिखा दो जो अपने छोटे भाई को कहता हो कि यार आप थोड़ी बिस्की तुम पी ले थोड़ी बैठी लो, वो कहते तुम और कितनी बेकार चीज है खुद पी लेगा। बस समझदार तो है मूर्ख नहीं है, मगर फंसा हुआ है। ये गुलामी का कारण है। कैसे हम गुलाम हुए ये मैं बताऊंगा आपको बाद में, क्योंकि आपकी आजादी का मतलब इसी में है। तो नशीला जो सामान है यही नहीं है, नशीला सामान इस बात का भी है कि अगर आपको दूध पीने का नशा पड़ गया और आप रात को दूध पिए बिना नहीं सोए तो वो नशा बन जाएगा आपका। सुरा नीर मज्जा मद में आता है, मद का मतलब है ऐसी आदत जो आपको दूध देती है उसमें आता है। तो कैसे? अब आप आपको दूध मांगोगे, अब दूध है नहीं, अब बीवी से क्या दूध क्या नहीं सकती, अब वो कुछ बेचेगी बाचेगी किसी का मांगेगी टांगेगी कुछ करेगी, एक दिन इंतजाम करेगी, दो दिन करेगी, तीन दिन करेगी, हालत ये हो जाएगी आप दूध पीना नहीं छोड़ोगे, आपको आदत पड़ गई है, मत पड़ गया, दस पड़ गई, तो वो घर का सामान बेचेगी, फिर कुछ और ही बेचेगी, फिर घर में परेशानी रहेगी। तो आप किसी भी आदमी का बता दो, बड़े महापुरुष की तो छोड़ो, ये जो आप छोटे छोटे महापुरुष बैठे हो, कभी किसी को कहोगे कि कोई शराब पी ले, कभी किसी को कहोगे कि भाई बीड़ी पीने की आदत डाल ले, कभी किसी को कहोगे कि भाई भांग पीने की आदत डाल ले, सब समाधान कोई नहीं कहता। और कहेगा तो अपने दुश्मन को कहेगा कि भाई तुम पी ले, जिसको बिगाड़ना हो तो कहेगा दो सट्टा मार ले और उसको बर्बाद कर दिया, वो दुश्मन के लिए काम करेगा, तो इंतजार काम हो जाता है। तो ये तीसरी बात है, जो महापुरुषों की छोड़ो कोई सा जो छोटे महापुरुष है ये भी नहीं करता। चौथी बात क्या है? चौथी बात है कि अकारण हत्या नहीं करेगा, अकारण नहीं करेगा। जंगल में है, भूख लगी है, खाने का कुछ नहीं है, जानवर है, मार सकता है, मारने से पहले नियम है प्रेयर भी करेगा। किस बात की प्रेयर करेगा, किस बात की प्रार्थना करेगा, वो ये कहेगा कि भाई मुझे इसको मार के अपना जीवन चलाना है, इसको मैं मन से नहीं मारना चाहता, मेरी मजबूरी है जो मैं इसको मारना चाहता हूँ, अदरवाइज मैं इसको नहीं मारता। तो बोला तो मुझे कि मोहम्मद साहब ने ये प्रेयर बताई नहीं बताई, बताई कि मुझे भी यही बात कही कि कारण नहीं मानना है, कारण है तो मानना है, और कब मानना है जब आपके मन में ये बात आ जाए कि मैं जान के नहीं मारा तो मन पर दोष नहीं आएगा इसका, और जब तक नहीं माना जब तक मजबूरी ना हो, ऐसे आदमी के मानने के लिए कहा था, जब तक आदमी आपके लिए खुद जान का दुश्मन ना बन जाए आपने उसको रक्षा में हत्या नहीं करनी है, ये संविधान के तहत रक्षा में, आपकी रक्षा में अगर कोई मर जाता है तो मर जाए आपकी रक्षा में। और यही हमारे घर में जो महापुरुष हैं या जो छोटे छोटे पुरुष हैं जो आप लोग बैठे हैं क्या कहते हो, अरे अगर वो तुझे वो पीट रहा था तो तू पिटके क्यों चला आया, पीट रहा था तो दो मारे तो फिर आ जाता, फिर हम देखते तो पिटने को तो कोई बाप और कोई माँ कोई भाई नहीं कहता कि भाई कुछ अचानक तुझे मारा तो जान का बचा है, जान बचाने का पहला कारण है। तो ये सब दुनिया में कहते हैं, सारी दुनिया में ये बात कहते हैं कि भाई अकारण बिना कारण के नहीं मारना है, कारण है जान पे आई है तो अपने आप को बचाना है। और पांचवी बात क्या है? पांचवी बात है झूठ नहीं बोलना है।
झूठ नहीं, झूठ तो बता देगा नहीं करना है आप। अब व्यभिचार कैसा नहीं करना है मुझे आप एक बार बता दो कि कोई पति अपनी पत्नी को कहता होगा तू व्यभिचार कर, कोई पत्नी अपने पति को कहती है व्यभिचार कर, करे तो व्यभिचार समझो क्या है। व्यभिचार वो आचार वो काम जो प्राकृतिक नियमों में नहीं आता है, जो प्राकृतिक नियमों से परे है और जो किसी को हानि या नुकसान पहुंचाता है, आपको स्वयं या आपके परिवार को या आपके रिश्तेदार को, मोहल्ले वालों को या देश वालों को या दुनिया वालों को अगर वो नुकसान पहुंचाता है तो व्यभिचार में आता है। तो रिश्वत लेना व्यभिचार में आता है। आप जो मेहनत करते हो उस मेहनत को अगर कोई आदमी खा ले तो वो व्यभिचार में आता है। आप जिस देश में रहते हो देश की जमीन कोई अगर छीन ले तो वो व्यभिचार में आता है। आपका बच्चा अगर पढ़े जाए मास्टर उसको ना पढ़ाए तो व्यभिचार में आता है। व्यभिचार का मतलब खाली बलात्कार से नहीं है, उन्होंने इसको क्या किया कि बलात्कार से छोड़ के और बाकी सारे व्यभिचार माफ कर दिए, ऐसा नहीं है। बलात्कार तो एक मन की स्थिति है जो बहुत बात की है, व्यभिचार बहुत बड़े बड़े हैं। आपको हमने संपत्ति दी देश की देश चलाने के लिए और आप उस संपत्ति का दुरुपयोग कर गए तो वो व्यभिचार में आता है। आप दफ्तर में काम करने के लिए गए तनख्वाह लेते हैं सरकारी पैसा लेते हैं पब्लिक का काम नहीं करते व्यभिचार में आता है। आपको कोई काम बताया और आप पूरे मन से नहीं करते हैं आपको वो व्यभिचार में आता है। आप आलस मारते हैं और कोई चीज आपको जिम्मेदारी दी और वो नहीं करते हैं तो वो व्यभिचार में आता है। आपने कहीं कोई किसी की संपदा कुछ रखने के लिए दी और आपने उसमें से कुछ मार लिया या ब्याज ले लिया वो व्यभिचार में आता है। ब्याज लेना भी व्यभिचार में आता है, पता है आपको। आपने कमाया एक पैसा नहीं और पैसा आपने किसी को दिया और उस पैसे पे आपने और पैसा ले लिया बिना मेहनत का, तो व्यभिचार में आता है। इस व्यभिचार को सारे महापुरुषों ने बंद किया और इस व्यभिचार को बुद्ध ने क्या बताया, बुद्ध ने कहा कि जितना आपकी जरूरत है आवश्यकता होगा आप उन्हें इकट्ठा ना करें, इकट्ठा करते ही व्यभिचार हो जाता है, बाकी सबको मिल बांट के खाते रहें क्योंकि पत्नी सबकी है और सभी लोग बराबर हैं। तो ये पांच बातें, अब इन पांच बातों से देश कैसे गुलाम हो गया यानी हम कैसे गुलाम हो गए ये समझने की बात है और हम इसके लिए आजाद कैसे हो गए। इस मोहल्ले में और इस घर में यहाँ जहाँ हम बैठे हैं लोग बड़े ताकतवर हैं मगर इन पांच बातों के गुलाम बनाए गए हैं, है नहीं। आपके देश में बहुत पहले की बात है कहीं शराब नहीं थी, ना भांग थी, ना वो धतूरा था, कोई सेवन नहीं करता था। यहाँ के लोगों को नशे की पता भी नहीं था कि नशा होता क्या है क्योंकि नशा भारत का है ही नहीं। भारत में चोरी भी नहीं थी, चोरी इसलिए नहीं थी क्योंकि भारत में इतना पानी, इतने पेड़, इतने फल, इतने फ्रूट और इतने जानवर, इतने अंडे, इतने मछली और खाने का इतना सामान के लोगों पर खाया ही नहीं जाता था, तो चोरी का ही करेंगे। तो जिसको जितनी जमीन बनानी है खेत बनानी है बना लो, जंगल काट के मेहनत करो बना लो, मेहनत करो बना लो, कोई कागज पत्र थोड़ी था पहले, कोई लिखित में थोड़ी था, जो जितना बना ले उतना है। तो भारत में किसी को झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, तो झूठ क्यों बोलेगा जब उसके सारे जीवन के काम चल रहे हैं और बढ़िया चल रहे हैं, उसके पास इतना है कि वो औरों को दे सकता है, तो झूठ किसने बोलेगा। और वहां समय बराबर है मामला, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है, घर भी एक से है, खेत भी एक से है, सारे घर एक से है, तो कोई झूठ नहीं बोलता। तो जब ये सारी बात नहीं है तो व्यभिचार भी होता था, व्यभिचार भी करके क्या करेगा, व्यभिचार तो कब करेगा जब अभाव हो किसी चीज का, जब अभाव ही नहीं है। तो भारत में सब लोग बहुत ईमानदार और बढ़िया थे। अब वो लोग जो आए बाहर से भाई वो कुछ नहीं करते थे, उनके पास सिर्फ एक ही तंत्र मंत्र था कि इनकी मेहनत को खाएं। अब यहाँ से व्यभिचार शुरू होता है। अब जब वो हमारी मेहनत हमारे खेत और हमारे फलों इकट्ठे करके हमारे जानवरों को ले जाके काट के खाने लगे तो हमने विद्रोह किया। हम तो दूध पीने वाले आदमी हैं क्योंकि जो गौतम है, गौतम का जो नाम है जिसको बोलते हैं भगवान गौतम बुद्ध, गौतम का मतलब है गौतम, गौ माने होता है गाय बछड़ा, ये यहाँ का शब्द बाहर का है, और तम माने होता है जिससे कोई मतलब ना हो पुरानी भाषा में, यानी उस खानदान का नाम, तो उसको बोलते हैं गौतम, इसको गोत्र भी बोलते हैं, गौत्र बोलते हैं पुरानी भाषा में, यानी कि बुद्ध उस परिवार से थे जहाँ गायों से कोई मतलब उनका नहीं है। और उनका परिवार क्या था, उनका परिवार था शाक्य। शाक्य शय शब्द बाद में आया है, हमारी भाषा में शय शब्द नहीं था, सह था पूरा संसार वाला से, तो शाक्य बोला करते थे। तो शाक्य का मतलब होता है
सब्जी। अभी गांव में भी कहते हैं ना साग सब्जी ले आओ, बोलते हैं साग सब्जी ले आओ, इसका मतलब वो साग सब्जी पैदा करने वाले कबीले के, पैदा करने वाले गांव के, पैदा करने वाले कुल्बे के, पैदा करने वाले गोत के व्यक्ति थे। तो उनका गायों से कोई संबंध नहीं था, ये पुरानी पाली भाषा में है गौतम का मतलब, आप जाके देखना। और जिनका गाय से संबंध है उनको बोलते हैं गौ मत, जैसे गौमती देवर है गौ मत वाले लोग। तो हम हैं गौतम वाले लोग, हमारा गाय से कोई लेन देन नहीं है और ना हम मांस भक्षी लोग हैं, भारत में मांस का भक्षण नहीं होता। तो जब हम साग सब्जी उगाने वाले लोग हैं सारे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेहनत तो उन्हें आदत नहीं आती ना, वो मेहनत करते, मेहनत तो सब हम ही करते हैं, इसको समन बोलते हैं, समन माने मेहनत करते हो। तो उन्होंने क्या किया, ये पांच बातें जो हमारी पूंजी थी, जो पांच बातें हमारा ईमान थी, जो पांच बातें हमारी प्रज्ञा थी, जो पांच बातें हमारी समझ थी, इनको खत्म किया था। हमारे बच्चों को काम चोरी सिखाई, हमारे बच्चों को शराब और सुरा पेड़ होता था उस समय, सुरा पेड़ सुरा सिखाया जो थोड़ा थोड़ा दिमाग खराब करता है, हमारे बच्चों को झूठ बोलना सिखाया, हमारे बच्चों को चोरी करनी सिखाई, हमारे बच्चों को व्यभिचार सिखाया। और जब हमारे बच्चों के मन ऐसे हो गए, अब उन्होंने हमारी चीजों पर कब्जा करना शुरू किया। अब उनके आदमी यानी बच्चे हमारे हैं मगर काम उनका कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग में पाठ पाठ है। अब उन्होंने जब हमको लूटपाट करना शुरू किया, तो हमारा एक बच्चा वहां से खड़ा होकर बोला गया, ए तुम क्या लूट रहे हो, ये गलत बात है, तो कह तुम चुप हो जा, तू सुरा पीता है। अब उसका मनोबल गिर गया, वो तो कहता सुरा पीता है, तो वो बैठ गया। दूसरे ने कहा, ये सुरा पीता तो क्या हुआ, तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तेरा चुप बैठ गया, तूने अपनी माँ का वो खाना चुराया था, वो कपड़े चुराए थे याद है ना, हमें पता है। ऐसे कर करके उनका मन मत गिरा के, और वो जो लड़ने वाले लोग थे उधर के मारे बैठ गए, क्योंकि उनका जो मन था मन तोड़ दिया और मन का बल तोड़ दिया। इस कॉलोनी में भी मन का बल तोड़ा हुआ है, समझ जब तक नहीं पड़ेगी, जब तक उन पांच चीजों की गुलामी से आजाद नहीं हो, उन पांच चीजों की गुलामी से। क्योंकि जब उसने ये सिखाया और उसके सिखाने के बाद में 6-7 साल बाद उन्होंने फिर दोबारा से हमारे लोगों को व्यभिचारी बना दिया, भ्रष्ट बना दिया, तो उसके बाद इस्लाम आए, मोहम्मद साहब आए, उनकी भी ये बातें थी, उसको लोगों ने मान लिया और उन लोगों ने शराब छोड़ दी, उन लोगों ने व्यभिचार छोड़ दिया। वो अगर हो गए तो वो ठीक हो गए, फिर उसमें भी उन्होंने डाल दिया, वो वहाँ भी उन्होंने चोरी चकारी करनी सिखा दी। और इस्लाम को जो जो क्या बोलते मुसलमान थे, मुसलमान ईमान वाले, यानी ईमान वाले सच्चाई होती है, जो लगातार सच्चाई वाले लोग थे वो लगातार बुराई की तरफ हो गए, तो नाम तो रह गया इस्लाम और काम हो गया बुराई का, तो उनका पतन हो गया, वो दोबारा से गरीब और दोबारा से कमजोर हो गया। अब ये जो बाबा साहब ने बताया संविधान में, संविधान का एक इंडिकेशन है, बात यही है कि आपने ये पांच बातें नहीं करनी है। यही इस्लाम है, यही धर्म है, यही ईसा मसीह की आवाज है, मगर ये आवाज यहूदियों की नहीं है। ये बात ध्यान रखना, यहूदियों का मामला थोड़ा सा अलग है, वो दिया है उसमें ये बात सच्चाई की नहीं आती, ये सच्चाई बात ईसा में आती है, बुद्ध में आती है, मित्र में आती है। और ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति भी भाई बुद्ध की नहीं है, ये मूर्ति भी हमें जबरदस्ती पकड़ाई है, क्योंकि तो शब्द जो बौद्ध है वो हमें जबरदस्ती पकड़ा दिया, बौद्ध कहीं नहीं है, उसको बुद्ध कहते थे। अब बुद्ध क्या होता है, बुद्ध समझ लो आप, बुद्ध का मतलब है तीन शब्दों से मिलकर बुद्ध बना हुआ है, बुद्ध का मतलब है बोधि, धम्म और सिद्ध, बोधि धम्म और सिद्ध। बोधि का मतलब है ऊंचा ज्ञान, जानकारी ऊंची, जिसको ज्यादा जानकारी हो जाए, और धम्म का मतलब है प्रकृति, नेचर, जिसको बोलते हैं नैसर्गिक, जो ये पूरे पूरी क्यामत होती है इसको बोलते हैं। और सिद्ध माने होता है जो सीख ले, सिद्ध माने जो उसको जान ले, यानी कि जो सबसे ज्यादा जानकारी जो है उसको अगर सही तरीके से जान लेता है उस व्यक्ति को बुद्ध बोलते हैं। इन तीनों शब्दों से मिलकर बुद्ध बना हुआ है, और जो इन बातों को सीखता है उसको कहते हैं धम्म, यानी धम्म को सीख रहा है, प्राकृतिक बातों को सीख रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि चोरी करेगा तो नुकसान होगा। कैसे नुकसान होता है, अभी चोरी करने का मत बनाया, ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल गलती से ये वाले जो भाई साहब है इनकी किताबों के बीच में दबके चला गया, अभी तो उन्होंने चोरी नहीं की, अब चोरी नहीं की तो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आराम से चलते रहेंगे जैसे चलते आ रहे हैं, जैसे चलते आ रहे हैं। अब हुआ ये कैसी घटी बन गई टन टन बीच में, देखा ये क्या हुआ,
देखा भाई मोबाइल है ही तो ये भी समझ आया कि मेरा नहीं है। तो तीन घटना एक साथ उनके दिमाग में मन में चले, भाई मोबाइल बहुत अच्छा है रख लूँ, भाई मोबाइल को ना रखो, भाई मोबाइल रखूँ या ना रखूँ, रखूँ या ना रखूँ, रखूँ या ना रखूँ। अगर इन्होंने तुरंत कर लिया कि मोबाइल को नहीं रखना है तो ये फोन उठाएंगे कहेंगे किसका फोन है भाई जी, अच्छा आपका फोन है मेरे पास ले जाना मैं आता हूँ देने के लिए, तो उनकी चाल में कोई बदलाव नहीं आएगा और बिल्कुल चाल और तेज हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी और शरीर में थोड़ा सा खून बढ़ जाएगा और अच्छा हो जाएगा। इन्होंने कहा कि ये तो मोबाइल मुझे रखना है, तो रखते ही सबसे पहले तो ये आएगा ये फोन किसका है, इसको मैं रखूंगा रखूँ, अब सारी बातें खत्म। अब मन नहीं आ रही है कि कोई जेब ना ले, इसकी जेब में छुपा लो उसमें छुपा लो, अब चाल टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, स्कूटर साइकिल पर जाएंगे तो वो ठीक ही चलेगा, उसका एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाएगा। अब घर में चिंता होगी, घर में पूछेंगे किसका है तो क्या बताऊंगा, पड़ा हुआ मिला, रखा हुआ मिला, चार फूट शुरू हो गए। अब बॉडी का शरीर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो गया, हार्ट बीट बढ़ी शुरू हो गई, हो सकता है हार्ट फेल भी हो जाए, फिर टेढ़े मेढ़े भागेंगे तो एक्सीडेंट हो जाए। तो चोरी का मन में आते ही, चोरी नहीं की है, मन में आते ही काम खराब हो गया, और कभी रखूँ कभी ना रखूँ, कभी रखूँ कभी ना रखूँ, तो कभी ठीक होंगे कभी खराब होंगे, कभी ठीक होंगे कभी खराब होंगे, कभी एक साथ टेम्परेचर बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा, ही चलता रहेगा। तो चोरी का नुकसान ऐसे करके पूरी तरीके से हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों का, इन सब का असर देखते हुए ये पांच बातें उन्होंने हमारे अंदर डाल दी और पांच बातों को गुलाम बना के हमारी सारी संपत्ति ले ली, हमारी सारी इज्जत ले ली, हमारे सारे पैसे ले लिए, हमारी बेटी बहन बेटियों का अत्याचार होने लगे, हमको तोड़ दिया, हमारे परिवार को लड़ा दिया, जो परिवार एक था उसको अलग कर दिया, फिर उनको बांट दिया, ये भी कह दिया ये इसका मजा नहीं है, इसका धर्म ये, इसका ये, समझ नहीं है ना, समझ नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको बातें को मान के और उसमें लग गया। तो मूर्ति जी मैं बात बता रहा था आपको कि ये मूर्ति बुद्ध में 32 लक्षण होते हैं किसी अच्छे आदमी, कुछ स्वस्थ आदमी होता है तो उसकी 32 बातें होती हैं, वो इस आदमी में थी। उसने कहा कि भाई ये बातें मैंने तुम्हें बता दी हैं, ये सबका कल्याण करेंगी और कोई मूर्ति मूर्ति का जिक्र नहीं। तो ये जो जिसको समझाते थे पढ़ाते थे उसको धम्मी बोलते थे, बहुत नहीं बोलते थे, ये क्या बोलते थे, धम्मी, यानी प्राकृतिक बातों को सही बातों को जानने वाला आदमी, यही भागा थी उस समय। तो ये किसी ने हमारे सब पर ठोक बना दी, अरे भाई जब देखा नहीं तूने तो बनाए क्यों, इसकी जरूरत क्या थी, और अगर बनती तो उस समय बना देते, भगवान बना देते, उनके चेहरे बना देते, अगर जरूरत नहीं थी। तो हमने कहा ठीक है अगर मूर्ति है तो हम 5 क्लास तक के बच्चे के लिए, जो 5 साल तक का बच्चा उसके लिए इसको रख लेते, जो 5 साल तक का बच्चा है उसको ये बता देते भाई ये ऐसे बैठना है तेरे को और ऐसे बैठना है, बस इससे ज़्यादा नहीं। मगर जो समझदार है, जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, जो PhD है, जो BA है, वो भी अगर जाके यहाँ और 3 बार झुक के सलाम करे तो फिर उसके ज्ञान का रूप से हिसाब किताब करना पड़ेगा कि भाई आप समझा क्या रहे हो, समझ क्या रहे हो, वो छोटे बच्चे का तो मामला ठीक है, क्योंकि वो तो ये चाहते हैं कि हम बात को भूल जाएं और पूजा पाठ करना शुरू कर दें, पूजा पाठ का यहाँ कोई आदेश नहीं, कोई भी आदेश नहीं है, ना ही ईसा मसीह का आदेश है, ना ही मोहम्मद साहब का आदेश है, ना ही बुद्ध का आदेश है, ना ही संविधान का आदेश है, ना ही बाबा साहब का आदेश, सब आदेश है, कहीं कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर अगर है तो सिर्फ इतना है कि शब्द बदल गए थोड़े से, जो इस्लाम की बात आई हमारे सामने वो अरबी में आई है, अरबी से वो फिर उर्दू में बनी, जो इधर की बात है, जो बुद्ध की बात है, वो पुरानी भाषा पाली है जिससे हिंदी बनी है, जिससे संस्कृत बनी है, उसमें जो ईसा मसीह की बात है वो सिर्फ इतनी है कि वो अल्फाबेट जो आए हैं वो इंग्लैंड के हैं, अमेरिका के हैं, इंग्लिश के हैं, अल्फाबेट कितने हैं, तो थोड़े से शब्दों की बात बदल गई है, मतलब सबका एक है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि आपको सारी चीज़ों का अध्ययन करना है, इस माइक को पकड़ने से पहले आप ज्ञान हासिल कर लो कि सारी चीज़ें एक हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि सब एक है और सारा ज्ञान एक है, सारी चीज़ें एक हैं, आपको सभी धर्मों का सभी जानकारियाँ लेनी पड़ेंगी। कोई आदमी अगर इस्लाम का अध्ययन करता रहेगा और उसके दिमाग में ये बात डाल दिया कि इस्लाम सबसे बढ़िया है और बाकी बढ़िया नहीं है, अध्ययन तो किया नहीं, तो ये कह दे कि बुद्ध वाला जो मामला है वो सबसे बढ़िया है और मैं बुद्धिस्ट हूँ मैं हूँ, तो अध्ययन तो किया नहीं, तो ये कह दे कि भाई ईसा का सबसे बढ़िया है और ईसा से बढ़िया दुनिया में कोई नहीं, अध्ययन तो किया नहीं, और वो आदमी उसका वकील बन जाता है और वकील बन के ना तो ना केवल खुद फंसा रहता है और कोई फंसाता है और असली बात भूल जाता है कि जीवन को सुखी बनाने के 5 जो नियम है वो तो सभी में है और वो 5 नियम
नियम करते ही इनको मानो मत मानो फर्क नहीं पड़ता, ये पांचों नियम है। अगर आप नियम मानते हो तो सबको मानते हो, और आप नियम नहीं मानते हो तो फिर आपका कहीं कोई कल्याण नहीं है। यही तो धर्म है, यही मजहब है, यही ईमान है, यही प्रज्ञा है, यही ट्रुथ है, यही संदेश है, और आप भी यही करते हो। आप अगर ये कहो कि नहीं करते हो तो बताओ, आप अपने बच्चों को कभी कहते हो झूठ बोल? आप कभी कहते हो अपने बच्चों से कि शराब मत पी? आप कभी अपने बच्चों से कहते हो कि व्यभिचार करो? आप कभी कहते हो तो जो बात आप अपने बच्चों के लिए कहते हो कि ये नहीं करनी है वही बात ये कह रहे? आप इनकी बात को मान रहे हो, अपने बच्चों से मनवा रहे हो, खुद नहीं मान रहे। कह रहे तू मान बच्चे, बच्चे तुम मानो क्यों? क्योंकि तुम हमारी रोटी खाते हो, हमने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें खाना हम खिलाते हैं, तुम मानो। और बीबी को दो झापड़ मार के मारो इन बातों को, और खुद नहीं मानेगा। पार्क में बैठे हो या नियम तोड़ रहे हैं, जुआ खेले दबा के? समझ नहीं है, क्योंकि आपको समझाना पड़ेगा। सिर्फ बहुत बड़ा नहीं है कोई भी धर्म, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी आ जाए और पानी में लंबी लंबी कहानियां सुनानी कर दे तो उसको कहते हैं बुद्धि विलास, मतलब वो आप पे दबाव डाल रहा है, आपको ये कह रहा है कि भाई आप मूर्ख हो, आप कुछ नहीं जानते, मैं जानता हूँ सब कुछ। कोई बहुत बड़ा क्या बोलते हैं मौलवी आ जाए और वो अरबी की आयतें पढ़ना शुरू कर दे और खुद पांच बातों को ना माने तो वो आपको दबाव में डाल रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई सारी आयतें मैं जानता हूँ। अरे मोहम्मद साहब तो कहते हैं एक आयत मान ले, एक बात मान ले, उसमें कल्याण हो जाएगा। चल चोरी छोड़ दे, चल व्यभिचारी छोड़ दे, चल झूठ बोलना ही छोड़ दे, चल क्या बोलते हैं किसी का जो ब्याज खाने छोड़ दे, चल लोगों की सहायता करने शुरू कर दे, एक बात मान ले तो उसी में ईमान वाला हो जाएगा। ऐसे ही बुद्ध कहता है अरे पांच बातें एक तो मान ले, बाकी चार अपने आप आ जाते हैं पीछे पीछे। तू शराब छोड़ दे, चल नशा ही छोड़ दे, आज से बीड़ी छोड़ दे, बाकी चार अपने आप साथ साथ आएंगे। और तू एक पकड़ ले इनमें से, बाकी चार भी साथ साथ भाग जाएंगे। झूठ बोलना शुरू करोगे तो बाकी चार चीजें भाग जाएंगी ऑटोमेटिकल। ये नियम है, ये प्रकृति का नियम है, करके देख लो। और अभी मेरा मोबाइल चोरी करके देखो, अभी एक्सीडेंट हाथ किया और इससे कुछ नहीं होने वाला, घर में झूठ बोलोगे आंख हो जाते घूमोगे बीपी से। और अभी ये कहोगे भाई साहब आपका मोबाइल ले गए गलती से, अभी आपका सीना छोड़ा और मेरी निगाह में आपकी इज्जत बड़ी हो जाएगी और आपकी खुद की निगाह में इज्जत बड़ी हो जाएगी, कितना फायदा पास पास होगा। तो यही है भाई जी, इससे बड़ा कोई भी कहीं भी कोई नियम हमारे लिए नहीं बताया किसी ने भी। हम छोटे से आदमी हैं और पांच बातों में सारी बातें वो बता चुके हैं, इनमें सब आते हैं। और यही धर्म है और यही प्रक्रिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कपड़े कैसे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका घर छोटा है बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास शब्द ज्ञान कितना है, डिग्री कितनी है, बड़ी है छोटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्कूल गए नहीं गए। ये बुद्ध किसी स्कूल नहीं गया, वो मोहम्मद साहब किसी स्कूल नहीं गए, वो ईसा मसीह किसी स्कूल नहीं गए, वो बाबा साहब को स्कूल के बाहर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। फर्क इससे पड़ता है कि आप इन बातों को और इन बातों को मानने के लिए हेडमास्टर मास्टर की जरूरत नहीं है, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन बातों को मानने के लिए तो आपको अपनी मन की शक्ति का इस्तेमाल करना है। अभी छोड़ो अभी फायदे, और अभी इनको पकड़ो अभी नुकसान। चलिए आपने बात समझ ली है।